नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। दोस्तों, RML स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में 2 दिन बाकी हैं और उसके लिए स्पेशल क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि टॉप बेस्ट MCQs आपको मिलेंगे, टॉप 10। और जो ये टॉप 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एंड तक देखना और ध्यान से केयरफुली विथ कॉन्सनट्रेशन एंड अटेंशन के साथ इस वीडियो के क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, लाइक भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, प्राइमिंग ग्रेविडा मदर ल्यूसी इज ऑन एक्टिव लेबर एंड डिसाइडेड टू अंडरगो द एनाल्जेसिया एंड नर्स एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एनेस्थीशिया अवेलेबल। सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक एनेस्थीशिया में एनाल्जेसिया इंक्लूड हो गया है, ठीक है, एंड दिस इज दी एनेस्थीशिया। नर्स एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एनेस्थीशिया अवेलेबल एंड क्लाइंट डिसाइडेड टू टेक द बाइलेटरल पुडेंटल ब्लॉक एंड आफ्टर दिस एनेस्थीशिया द बॉडी पार्ट अफेक्टेड। प्राइमरी ग्रेविडा मदर जो है वो एनेस्थीशिया में एनेस्थीशिया लेने के लिए डिसाइड किया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि जब बाइलेटरल पुडेंटल ब्लॉक का एनेस्थीशिया पेशेंट को दिया जाएगा तो बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा। 4 ऑप्शन है, एब्डोमन, बैक, पेरिनियम एंड लोअर लेग्स। आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, पेरिनियम। पेरिनियम राइट आंसर है। यहाँ बोला गया है पुडेंटल ब्लॉक में क्या होता है, जो लोकल एनेस्थीशिया है वो इंजेक्ट किया जाता है इनटू द पुडेंटल कैनाल वर द पुडेंटल नर्व इज लोकेटेड, जहाँ पे कि पुडेंटल नर्व लोकेटेड होती है, ठीक है, एंड दिस अलाउ टू क्विक पेन रिलीफ टू द पेरिनियम वल्वा एंड वजीना, जो कि क्विक पेन रिलीफ करता है पेरिनियम वल्वा एंड वजीना में। इन स्पाइनल एनेस्थीशिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीशिया बॉडी बिलो द पार्ट ऑफ इंजेक्शन इज नर्म्ड सच इज एब्डोमन एंड लेग्स। और जो स्पाइनल एनेस्थीशिया एंड जनरल एनेस्थीशिया में स्पाइनल एनेस्थीशिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीशिया में बॉडी के इंजेक्टेड पार्ट के बिलो का जो पार्ट होता है वो नम हो जाता है, जैसे कि एब्डोमन, लोअर लेग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रेविडा मदर विथ 16+5 weeks ऑफ गेस्टेशन मीन्स 16 weeks 5 days ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज डायग्नोस्ड विथ प्लेसेंटा प्रीविया। प्राइमरी मदर है 16 वीक्स की, जिनको कि अभी डायग्नोस्ड हुआ रिसेंटली प्लेसेंटा प्रीविया, एंड शी आस्क द नर्स व्हाट द मैनेजमेंट फॉर दिस कंडीशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। प्राइमरी ग्रेविडा मदर को प्लेसेंटा प्रीविया है 16 वीक्स पे, नर्स से पूछा है पेशेंट ने कि इसका क्या मैनेजमेंट होगा, तो नर्स का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो 4 ऑप्शन में से आपको देख के बताना है, इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन, अबॉर्शन टू सेफ गार्ड मदर्स लाइफ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एंड बेड रेस्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एंड बेड रेस्ट, विच इज नेसेसरी फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, एंड द प्लेसेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा कवर ऑल द पार्ट ऑफ द सर्विक्स एंड दिस कंडीशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर द एंटीपार्टम हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स को कवर कर देता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर द एंटीपार्टम हेमरेज, एंड ब्लीडिंग यूजुअली अकर इन 3rd trimester। और जहाँ की जो देखा जाता है जो यूजुअली ब्लीडिंग है वो 3rd trimester में ही होती है, एज यूट्रस थिन टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। जैसे जैसे यूट्रस थिन होने लग जाता है, थिन पतला होने लग जाता है, यूट्रस की लेयर्स थिन होने लग जाती है डिलीवरी को प्रिपेयर करने के लिए। एंड LSCS जो है इंडिकेटेड होता है इन लास्ट ट्राइमेस्टर, नॉट इन द अर्ली पीरियड ऑफ गेस्टेशन। लास्ट पीरियड जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में LSCS इंडिकेटेड होता है, ना कि अर्ली, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दे रखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड इफ सीवियर ब्लीडिंग इज देयर एंड अबॉर्शन इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन इफ द फीटस इज हेल्दी एंड अर्ली गेस्टेशन व्हेन द प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोसिस इज मेड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एंड बेड रेस्ट नीडेड एज मैनेजमेंट। जितना जल्दी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन को डायग्नोज किया जाता है उतनी जल्दी ही ये एडवाइस किया जाता है पेशेंट को फॉर द एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एंड बेड रेस्ट एज नीडेड एज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट अ प्राइमरी ग्रेविडा मदर कंप्लेंड ऑफ बैकएक वंस शी केम बैक टू होम आफ्टर वर्क एंड विच अमंग द फॉलोइंग्स करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स।
ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट प्राइमरी मदर ने कंप्लेंट किया है उसको बैक एक हो रहा है जब वो ड्यूटी से या वर्क प्लेस से अपने घर वापस आती है, और उसके बाद बेस्ट रिस्पॉन्स नर्स का क्या रहेगा? नॉर्मल फीलिंग एंड नथिंग टू डू, मोर रेस्ट इज नीडेड नाउ, प्रैक्टिस द टेलर सिटिंग, प्रैक्टिस द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। राइट आंसर आपका है प्रैक्टिस टेलर सिटिंग, बिकॉज जो टेलर सिटिंग एक्सरसाइज है ये हेल्प करता है टू मेक योर थाई एंड पेल्विक एंड हिप मसल मोर फ्लेक्सिबल, एंड दिस एक्सरसाइज हेल्प टू रिड्यूस द बैकएक एंड ऑल द रिस्पॉन्स आर इन एप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स लूसी वर्किंग इन एंटीनेटल क्लिनिक एंड वॉज गोइंग थ्रू द मेटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन वैल्यू ऑफ हर क्लाइंट एंड शी नोटिस द एलिवेटेड लेवल ऑफ maternal serum alpha fetoprotein and there is a high chances for all of the following condition except one। nurse lucy antenatal clinic mein jo hai patient ka maternal serum alpha fetoprotein value ko check kar rahi hai aur usne notice kiya ki maternal serum alpha fetoprotein jo hai elevated hai, to yahan pe char option mein se bola gaya hai except wala question hai aur bola gaya hai इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एएफपी लेवल के इंक्रीज होने का चांसेस नहीं होता है और बाकी के तीन में एएफपी का लेवल हाई रहता ही है, जैसे कि ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एएफपी का लेवल हाई रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इंट्रायूटराइन की जब डेथ हो जाती है, मतलब यूट्रस में जब फीटस की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में भी एएफपी लेवल इंक्रीज रहता है, और जब रीनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बेबीज़ में तब भी मदर का सीरम एएफपी लेवल इंक्रीज रहता है। एंड जो आपका राइट आंसर है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ये आपका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया है मैटर्नल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन जो है एक ऑनको फीटल प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द योक सेल्क एंड फीटल लीवर, एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ मैटर्नल सीरम एएफपी इंडिकेट दैट द रॉन्ग गेस्टेशनल एज, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन एंड इंट्रायूटराइन फीटल डेथ, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड रीनल एबनॉर्मलिटीज, लो लेवल इंडिकेट द ट्राइसोमी लाइक द डाउन सिंड्रोम एंड गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ में बोला गया है ऑब्स्टेट्रिशियन ऑर्डर द ट्रिपल टेस्ट फॉर वन एंटीनेटल मदर। ऑब्स्टेट्रिशियन ने एक एंटीनेटल मदर को ट्रिपल टेस्ट के लिए ऑर्डर किया है और मदर ने नर्स से पूछा है रिगार्डिंग दिस टेस्ट, एंड नर्स ने एजुकेट किया है इस टेस्ट के बारे में, और नर्स को पता होना चाहिए कि मदर को इसके लिए काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है अबाउट द सेम इफ़ शी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रिपल टेस्ट। तो यहाँ बोला है कि नर्स को मालूम है कि मदर को क्या समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ शी आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रिपल टेस्ट, तो पेशेंट क्या समझेगी, पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बताना है कि पेशेंट ने सही समझाया या नहीं कि ट्रिपल टेस्ट किस लिए होता है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि ट्रिपल टेस्ट की इंडिकेशन क्या होती है मदर में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल एंड इनहिबिन ए। राइट आंसर आपका इनहिबिन ए है, ट्रिपल टेस्ट कराया जाता है फॉर इनहिबिन ए। इनहिबिन ए ट्रिपल टेस्ट जो है एक कंबाइंड बायोकेमिकल टेस्ट है और ये इंक्लूड करता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन HCG ऑन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल, और जो ये टेस्ट है किस लिए किया जाता है, टू डायग्नोज दी डाउन सिंड्रोम इन विच ASAFP एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल आर लो एंड वाइल HCG इज़ हाई। ठीक है, एंड जो इनहिबिन है वो एक अनदर बायोकेमिकल मार्कर है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ट्रिपल टेस्ट, जो कि एक ट्रिपल टेस्ट का पार्ट नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डायग्नोज द फीटस विद डाउन सिंड्रोम। ट्रिपल टेस्ट में तीन टेस्ट होते हैं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन
HCG एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। और जो ये टेस्ट है वो डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड जो एस्ट्रायोल है वो लो लेवल के होते हैं और HCG का लेवल जो है हाई होता है, ठीक है। और जो इनहिबिन है एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि ट्रिपल टेस्ट का पार्ट नहीं है, वो खुद एक ट्रिपल टेस्ट है फॉर द इनहिबिन ए, ठीक है, जिससे कि फीटस में डाउन सिंड्रोम को हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एजुकेटर वाज टेकिंग क्लास ऑफ अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फीटल वेलबींग एंड विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर इज आइडेंटिफाइड बाई द नर्स स्टूडेंट एज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ फीटल न्यूट्रिशन इंडिकेटिंग द क्लास वाज इफेक्टिव। अब नर्स एजुकेटर जो है ये देखेगी कि क्लास जो उसने दी थी अबाउट फीटल वेलबींग वो कितनी इफेक्टिव थी, और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझेंगे कि जो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है ऑफ फीटल न्यूट्रिशन का, फीटस के न्यूट्रिशन का जो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं कि जो फीटस का न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और ये जो स्टूडेंट्स है वो भी इफेक्टिवली समझ गई है, तो उसका जो राइट आंसर वो क्या देगी, बाई पैरामीटर डायमीटर, एब्डोमिनल सर्कमस्टेंसेज, हेड सर्कमस्टेंसेज एंड फीटल लेंथ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। बिकॉज इसकी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है एक सिंगल ऐसा मेजरमेंट होता है जो फीटस के न्यूट्रिशनल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, फीटस की बात हो रही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबर रूम नर्स नोट दैट द फाइंडिंग इज वन ऑफ हर प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट एज फॉलोज, सर्विक्स डायलेशन 5 सेंटीमीटर। लेबर रूम में नर्स ने नोट किया है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसका जो सर्विक्स है वो 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है और जो फीटस का स्टेशन है वो -1 पर है और 40% डिफेसमेंट हो चुकी है। तो इन फाइंडिंग के बेस पर नर्स ने जो क्या किया है, इस फाइंडिंग के बेसिस पे नर्स को पता होना चाहिए कि जो इसकी जो पेशेंट है कौन से फेज में है लेबर के। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक्टिव फेज। बिकॉज जो एक्टिव फेज है 4 सेंटीमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है, सर्विक्स का जो डायलेटेशन है जब 4 सेंटीमीटर से अबव जाता है या स्टार्ट हो जाता है 4 सेंटीमीटर पर, तो एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इन द लेटेंट फेज सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है 0 से 3 सेंटीमीटर होता है और एक्टिव फेज में क्या होता है 4 से 7 सेंटीमीटर का होता है, और जब 7 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ जाता है जिसकी 8 से 10 के बीच में, वो कहलाता है एक ट्रांजिशनल फेज़, ठीक है। एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है जिसमें सर्वाइकल का डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है, और फिर आता है एक एक्सपल्सिव फेज़ जो बिगन होता है इमीजिएटली आफ्टर द बर्थ एंड एंड हो जाता है विद सेपरेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल मदर विथ कॉन्स्टिपेशन आस्क द नर्स अबाउट द यूज़ ऑफ कास्टर ऑयल टू मैनेज हर कॉन्स्टिपेशन। एंटीनेटल मदर है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसने नर्स से पूछा है कि कास्टर ऑयल का क्या यूज़ है कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए, तो नर्स ने रिप्लाई किया है कि जो कास्टर ऑयल का इनटेक है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन दी प्रेगनेंसी। बाई कीपिंग इन माइंड विच ऑफ द साइड इफेक्ट मैंशन बिलो द नर्स रिप्लाइड। अब बोला है कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट होता है कास्टर ऑयल का प्रेगनेंसी में, जो कि नर्स को पता होना चाहिए और वो ये सब को सोचते हुए ही पेशेंट को जवाब देगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन में यही पूछा है कि कास्टर ऑयल का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये प्रेगनेंसी में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इट कॉज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इट कॉज द प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, इट कॉज पोटेशियम रिटेंशन एंड इट लीड्स टू फैटी लीवर सिंड्रोम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इट कैन कॉज दी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। बिकॉज जो कास्टर ऑयल है एक स्टिमुलेंट लेक्सिटिव होता है जो कि बावल के इवोकेशन में हेल्प करता है, बट प्रेगनेंसी स्टेट में क्या होता है ये यूट्रस के प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को ही स्टिमुलेट करता है, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। अर्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर लेता है जो कि प्रीमेच्योर होता है टाइम से पहले, इसलिए कास्टर ऑयल को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रेविडा मदर विथ 15-week पीरियड ऑफ गेस्टेशन केम टू OPD कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पैसेज ऑफ सेवरल ब्लड क्लॉट्स।
एक 15 वीक की प्राइमरी ग्रेविडा मदर है जो कि ओपीडी में आई है विद कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पैसेज ऑफ सेवरल ब्लड क्लॉट्स एंड शी इज डायग्नोज्ड विद इनएविटेबल अबॉर्शन एंड विच अमंग द फॉलोइंग द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन. पेशेंट को इनएविटेबल अबॉर्शन की कंडीशन क्रिएट हुई है और उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा. चार ऑप्शन आपके सामने हैं. ऑप्शन नंबर सी, फ्लूड वॉल्यूम इम्बैलेंस, बिकॉज प्राइमरी ग्रेविडा मदर को इनएविटेबल अबॉर्शन जो है अभी क्रिएट हुआ है जिसमें कि एब्डोमिनल पेन भी है और ब्लीडिंग भी है जिसकी वजह से वो फ्लूड वॉल्यूम के डेफिसिट के रिस्क पे है. सो एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन विल बी देयर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस रहने वाला है वो है फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट का. सो हियर इन द क्वेश्चन नथिंग रिलेटेड टू एयरवे इज मेंशन. सो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस इज नॉट द इशू हियर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. द डॉक्टर ऑर्डर द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग टू अ मल्टीपेरस वूमन. एक मल्टीपेरस वूमन है ठीक है जिसको डॉक्टर ने ऑर्डर किया है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के लिए. नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट द रिक्वायरमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग. अब नर्स को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो इन चार ऑप्शन में से कोई एक नहीं है. ठीक है, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. रप्चर्ड मेम्ब्रेन, स्टेशन, फीटल स्टेशन एटलीस्ट -1, सर्विक्स हैज मिनिमम डायलेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वुमन शुड प्रोवाइड विद पुडेंटल ब्लॉक. आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है. द वुमन शुड प्रोवाइड विद पुडेंटल ब्लॉक बिकॉज जो इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग होती है वो क्या करती है. इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग क्या करती है. इट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड टू द पार्ट ऑफ बेबीज बॉडी क्लोज टू सर्विक्स एंड एक्सेप्ट ऑप्शन डी. जितने भी ऑप्शन थे वो इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं बट ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है बिकॉज पुडेंटल ब्लॉक जब वुमन को मिलता है तो उसमें इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग की नीड नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो आपके जो आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि आरएमएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कर चुकी हूँ. उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, काफ़ी नॉलेज मिली होगी, क्लास काफ़ी बेस्ट रही होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना दोस्तों और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से रखना, स्ट्रेस फ्री रहना, कॉन्फिडेंट रहना, बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.